हाँ तो स्टूडेंट देखिए, जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर आपका आ गया रिप्रेजेंट 3/2 / 4 इन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको नंबर लाइन तीन तरीके से बनाना पड़ता है। पहला नंबर लाइन आपका नेचुरल नंबर का होता है, दूसरा नंबर लाइन होल नंबर्स का होता है, और तीसरा इंटीजर्स का होता है या रेशनल नंबर का होता है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। देखिए ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो हम पॉजिटिव रेशनल नंबर का ही नंबर लाइन खींचेंगे, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर का कोई काम नहीं है। इसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, जिसमें हमने स्टार्टिंग में क्या करेंगे, वन से रख देते हैं। नेचुरल नंबर भी बना सकते हैं, होल नंबर भी बना सकते हैं। तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख सकते हैं। हमको क्या करना है, 3/2 / 4 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन में, वो कहाँ पे ये शो करेगा। 3 को शो कर रहा है, 3 तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन 2/4 कहाँ पे आएगा। तो हम क्या करते हैं, 3 के बाद ही 2/4 आएगा, 3/2 / 4, 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। यानी ये क्या है, 3 से बड़ा है, यानी कि ये 4 से क्या होगा, छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। ओके, 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है, यानी 3 और 4 के बीच में ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें दिया गया है डिनोमिनेटर, इसमें 4 दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 अब चौथे नंबर पे यही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब फिर ऊपर न्यूमरेटर में कितना है, 2 है, 1, 2, यानी यहाँ पे हमारा वो नंबर आएगा 3/2/4। समझ गए स्टूडेंट, इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको सिंबल भी लिख सकते हैं। बहुत से या तो नेगेटिव नंबर में मिलेंगे, नेगेटिव साइड में जाएंगे आप। तो हमने ये आपको तरीका बता दिया, इसी तरीके से आपको दिए गए रेशनल नंबर इंटीजर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ओके, कुछ चीज़ें और समझा दें हम आपको, जैसे कि इसमें है कंपेयर करना। कंपेयर करना तो आपको पता ही है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं कंपेयर, जिधर की वैल्यू बड़ी होगी उधर का रेशनल नंबर बड़ा होगा। ठीक, या फिर आप एलसीएम को निकाल सकते हैं, आपका जो डिनोमिनेटर होता है 7/4 उसका एलसीएम निकाल लिए, और उसके बाद आपने अपना रेशनल नंबर रखा, जिसमें आपने जितना आपका एलसीएम रहता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में उतना ही मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर डिनोमिनेटर आपका एलसीएम के बराबर आना चाहिए, ऊपर चाहे जितना आ जाए, नीचे वाली संख्या आपके एलसीएम के बराबर। इस प्रकार से आप उतनी ही संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जितना आपको आवश्यकता है। जैसे 3/4 में भी आपने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी आपको करना है। तो आपका जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो आपको न्यूमरेटर से मालूम चल जाएगा किधर का बड़ा है। ओके, तो आपको वही ओरिजिनल फॉर्म में लिख के उसी साइड को बड़ा बना देना है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका अल्टरनेटिव मेथड हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, तो कहीं दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना, ये उसका तरीका है। हमने इसका अलग से एक वीडियो भी बनाया है जो हम आपको सेंड कर देंगे, ये उसका एक एग्जांपल जो नोट्स हमने भेजा है। ओके, ये रहा, ये आपका एक्सरसाइज 1.3 हो गया। इसमें आपको ये पूरी चीज़ें आपको सॉल्व करके कॉपी में नोट करनी है। इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, ये आपका रेशनल नंबर, इसको भी रिप्रेजेंट करना है, और ये आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सा ग्रेटर है, और इसके बीच का 3 रेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको दिए गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको करना है। ठीक है, जितने भी चीज़ें दी गई हैं ये 1.3 एक्सरसाइज तक, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एक अलग से मैथ की कॉपी में सॉल्व करके आपको स्कूल में 20 या 21 तक डेट्स तक ज़रूर आप सबमिट कर दीजिए, जिससे हम आपका चेक करके 22 या 23 तक आपको फ़ोन करके बुला लें। ओके स्टूडेंट, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
नहीं तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, फिर मत करिएगा सर आपने ऐसा हमें समझाया नहीं था। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।